खाने के लिए नो एंट्री विदाउट लेडीज, सिंगल के लिए नो एंट्री, अच्छा। लेडीज के साथ यहाँ एंट्री है। हम खाना आपको बाहर लगवा दें, यहाँ विदाउट लेडीज मंगाएंगे। सो हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ द डेली फूडी ऑफिशियल। और आज हम आए हैं बहुत ही ज़्यादा एक ऑथेंटिक रेस्टोरेंट में, बाटी चोखा इसका नाम है। और यहाँ की ऑथेंटिसिटी मैं आपको दिखाता हूँ, क्या मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, बैल के साथ ये लोग पूरा गन्ने का रस निकालते हैं, और उसके बाद काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, मसाले, पापड़, बाटी चोखा, सब कुछ है। और आइए अब आप चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको कि कैसा है यहाँ का अच्छा खाना। नमस्ते सर। नमस्ते। यहाँ देखिए कोविड का भी बहुत ध्यान दिया गया है। और चलिए अब चलते हैं अंदर। और खाने के लिए नो एंट्री विदाउट लेडीज, सिंगल के लिए नो एंट्री, अच्छा। लेडीज के साथ यहाँ एंट्री है, चाहे मतलब पूरा फैमिली रेस्टोरेंट जी। एक माँ हो, ये बहुत अच्छी बात अभी आंटी जी ने बताई है कि ये पूरा का पूरा जो रेस्टोरेंट है यहाँ सिर्फ और सिर्फ फैमिलीज अलाउड है। यहाँ पे आप अगर आते हैं तो अपनी फैमिली के साथ आइए, ये इनका मोटो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी फैमिली के साथ जुड़ के यहाँ आके और खाएं। तो अब चलिए चलते हैं। और आंटी ये एक चीज़ पहले बता दीजिए कि यहाँ मैंने सुना है 80% महिलाएं हैं जो आपके यहाँ स्टाफ है। यहाँ पर लेडीज में महिला गार्ड पहले है, महिला गार्ड एकदम। और हम लोग को नौकरी दिए, हम लोग इससे अपना परिवार देते हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, बच्चे पढ़ते लिखते हैं बहुत। गवर्नमेंट तो क्या मतलब, कमेंट नहीं करना चाहता, पर अब चलिए इधर चलते हैं और दिखाते हैं इनका खाना और कुछ और अच्छा स्टफ। ये देखिए यहाँ का इंडोर है, यहाँ पे गार्डन बना हुआ है बहुत प्यारा। यहाँ देखिए जैसे कि आप धनिया देख सकते हैं, खड़ा धनिया। अब इधर आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पापड़ जो आलू के कुछ चिप्स टाइप के पापड़ लग रहे हैं मेरे को। ये आपको एकदम नहीं लगेगा कि ये रेस्टोरेंट है कोई, और एकदम आप देख सकते हैं घरेलू टाइप का माहौल है यहाँ। इसका रेस्टोरेंट का नाम मैं पहले ही बता दूँ, बाटी चोखा रेस्टोरेंट का नाम है। और इनका बहुत ही अच्छा, ये आप देख सकते हैं गांव वाली फील दी हुई है पूरी। और इसमें अब जो है खाने की तरफ चलते हैं धीरे धीरे। पहले आपको कुछ अच्छा अच्छा मसाला और हल्दी वगैरह और चने वगैरह दिखाते हैं। तो अब सुरेंद्र जी बताइए जरा, ये इनके पास वैरायटी ऑफ आइटम्स हैं जो कि ये बेचते भी हैं, बढ़िया हो गई, धनिया पाउडर हो गया, अपना देसी स्टाइल चिली फ्लेक्स हो गया, ये क्या भैया सत्तू है, सत्तू हो गया, ये देखिए ओरिजिनल घी, देसी घी हो गया, अचार हो गई, आम का अचार, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, सब भैया अपने यहाँ बना हुआ है एकदम। जैसे ठीक है, जैसे मैंने दिखाया ये आप रेट देख सकते हैं इनके, बहुत ही सही रेट है, इनको ज़्यादा नहीं लगाएंगे। और आप आइए ज़रूर इनके पास से परचेज़ करिए। देखिए आप कितना अच्छा, अच्छे तरीके से इन्होंने मेन्यू प्रेजेंट किया है अपना। और बस हमने ये देख लिया है कि बहुत सारी आइटम्स हैं इनके पास, बहुत सारी ट्रेडिशनल आइटम्स हैं जो कि हम ट्राई करने वाले हैं अंदर। अभी हम चलते हैं अंदर और आपको कुछ अच्छा अच्छा खाना दिखाते हैं। ये तो गाइस हम आ चुके हैं टेबल पे अपने, और यहाँ पूरा आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे खाना पड़ा हुआ है हमारा रेडी। सुरेंद्र जी ने मेरा रेडी करवा दिया था खाना फिलहाल। यहाँ पे हमारे साथ आपका नाम क्या है? माया तिवारी जी है, वो हमें बता दीजिए प्लीज़ यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास खाने में। पहले स्टार्टर से, हाँ हाँ स्टार्टर से बताइए। ये सर है फरा जी, चावल के आटे का बनता है, चावल के आटे का, दाल स्टफ़ ठीक है, इस चटनी इमली की चटनी है, स्टार्टर ठीक है सर। ये बाटी है, ये बाटी है जी सर, पानी बाटी है। आपके पास कितनी वैरायटी की बाटी है? तीन है जी, एक प्लेन सत्तू की है, प्लेन है सत्तू की और पनीर की।
तीन वैरायटी है, ठीक है। अब ये चटनी और ये ग्रीन चटनी है, ये ग्रीन चटनी है, ये हमारी हो गई खीर, ये अचार जी, फ्राइड चिली, क्या बात है। और ये कौन सी चटनी है? टोमेटो और जो आग पे, हाँ हाँ हाँ, लहसुन अदरक मिर्चा प्याज, क्या बात है, क्या बात है। तो और ये जो अपना सत्तू पराठा है जी, सत्तू पराठा, दही भरता, लच्छा सलाद, और कड़ी, कड़ी चावल, और चावल मिक्स कलौंजी, कड़ी और चावल और मिक्स कलौंजी, क्या बात है। ये सब खाना हमारे लिए इन्होंने जो है यहाँ लगाया हुआ है। अब और ये देख लीजिए, जैसे कि ये देखें तो देसी घी पूरा इनकी जो है प्योर बना हुआ घर का। तो अब चलिए खाना चालू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा है टेस्ट में, कैसा है आपको बताते हैं। तो चलिए, क्या अभी बात मैम ने बताई है कि यहाँ जो है कि लेडीज़ के बिना, फैमिली के बिना आप यहाँ पे बैठ के जो है खाना ये लोग नहीं बोलते हैं, यहाँ खाने को प्रेफर नहीं करते हैं। अगर आप आए यहाँ तो लेडीज़ के साथ या किसी पूरी फैमिली के साथ लेके आए तो आप प्लीज़ मेरा खाना बाहर लगवा दीजिए, हम लोग बाहर अच्छी फ़ोटोज़ भी आएंगी, अच्छी वीडियोज़ भी आएंगी और बाहर करते हैं। चलिए तो गाइस चलते हैं बाहर और हमारा खाना भी जो है बाहर आ जाएगा। तो अब बाहर चल के हम बैठते हैं, वेट करते हैं अपने खाने का। तो गाइस हमारा खाना जो है वो बाहर आ चुका है, अच्छी तरीके से यहाँ पे लगा दिया है इन्होंने। और अब हम बैठेंगे अपनी इस चेयर पे और खाना खा के दिखाएंगे कैसा है। और अब जो है पहले तो मैं स्नैक्स से चालू करूँगा, बाकी आपको मेन कोर्स अभी धीरे 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 सारा कुछ खा के दिखाऊंगा कैसा कैसा इनका क्या क्या है खाना। तो चलिए आगे। तो गाइस खाना लग चुका है हमारा और अब इसे खाना चालू करते हैं और सबसे पहले हम ट्राई करते हैं जो उन्होंने बताया था स्नैक्स। तो ये हमारा स्नैक्स है फरे, और इसे इस इमली की चटनी के साथ डुबो के जो है ये खाना होता है। मैं पहले आपको दिखा दूँ, ये देखिए, मतलब इमली का फ्लेवर जो है वो आ रहा है पूरा पूरा। और अब जो है इनके पास जो है हमने बाटी देखी थी, ये हम लास्ट में खाएंगे, पहले पराठे ट्राई कर लेते हैं इनके। देखिए पहले सत्तू का पराठा है, ये पूरा पूरा सत्तू स्टफ डेस्क के अंदर, और इनके यहाँ ही बनता है ये सत्तू। तो ये हम जैसे तोड़ के जो है इस चटनी के साथ, जब ये देखिए क्या ज़बरदस्त कलर आ रहा है, दोनों ही चीज़ें इनकी बहुत ही ज़्यादा स्वाद है। और जो है सत्तू का तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है, मतलब एकदम जो हम लोग पैकेट में सत्तू लेते हैं उसका फ्लेवर अलग होता है, इनका तो अलग ही फ्लेवर ओरिजिनल टाइप का आ रहा है। और अब हमारे पास ये बाटी है, ये बाटी देखिए, ये हमारे पास है पनीर वाली बाटी। इसके अंदर हम पहले अब घी डालेंगे इसको, क्योंकि घी के बिना नहीं खा सकते। ये देखिए कैसे घी इसके अंदर भरी है, फिर जो है इसको अच्छे से ऐसे तोड़ के, ये भरता होता है इसके साथ, भरता, ये देखिए इस भरते के साथ इसको खाया जाता है। इसके ऊपर हम लच्छे वाले प्याज भी लगा देते हैं, तो ये जो है चटनी के साथ अगर ले लिया जाए। अगर आपको अपनी लंच या डिनर कंप्लीट करने, एकदम पूरा अच्छे से मील कंप्लीट करने आना है, तो इससे अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती।
क्योंकि जो पनीर का फ्लेवर है ना वो पूरा आ रहा है मुंह में, और इसके बाहर की कोटिंग ज़बरदस्त है। तो गाइस फिर अब हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं और लास्ट में आपको दिखाएंगे खीर। खीर भी इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वो इसको डेजर्ट में हम दिखाएंगे आपको अभी थोड़ी देर में। पहले ये खाना कंप्लीट कर लेते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। तो गाइस टाइम आ चुका है हमारा खीर खाने का, तो अभी खीर ख़त्म करते हैं और फिर चलते हैं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगी हो और अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और यहाँ ज़रूर विज़िट करें। बाटी चोखा रेस्टोरेंट है, यहाँ का पूरा पूरा एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और बाकी इनका खाना बहुत ही ज़्यादा स्वाद है, फैमिली के साथ आए। और प्लीज़ 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 अगर अच्छी लगी वीडियो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय।